welcome back. I swelled with pride when my son stood first in the examination. देखो swell verb है be one. swell का मतलब होता है फूलना. अक्सर आप सुनते हैं कि swelling हो गया है, सूज गया है, फूल गया है. अब यहां पे अब शरीर के किसी अंग के फूलने की बात नहीं कर रहा है, यहां फिगरेटिव यूज है. आई स्वेल्ड विथ प्राइड, मैं गौरव से फूल गया, मतलब मेरे अंदर गौरव भर गया. व्हेन माय सन स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, जब मेरा बेटा परीक्षा में प्रथम स्थान लाया. व्हेन समथिंग स्वेल्स, जब कोई चीज स्वेल्स करता है, इट ग्रेजुअली इंक्रीजेज इन फुलनेस एंड राउंडनेस टू बियॉन्ड द यूजुअल और ओरिजिनल साइज. जैसे मान लो कोई चीज सूज रहा है, फूल रहा है, तो वो क्या होता है, बड़ा बड़ा होकर गोल होना शुरू होता है. जैसे घाव भी होता है तो फूल जाता है आपका, दिखते हैं, चोट लग जाता है, सूजन आ जाती है, फूल जाता है. तो वो क्या करता है, धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे इंक्रीज, बड़ा हो आता है इन फुलनेस, और ऐसा लगता है जैसे पूरा भर रहा है, और राउंडनेस गोला बनता जाता है. टू बियॉन्ड द यूजुअल, बियॉन्ड मतलब होता है परे, मतलब जितना साधारण तौर पे रहता है या उसका ओरिजिनल साइज है, उससे बड़ा बन जाता है. फिगरेटिवली तुलनात्मक बात करें, इफ यू स्वेल विद अ फीलिंग, जैसे प्राइड हुआ, अगर आप किसी भावना से भर जाते हैं तो इसके साथ विद प्रयोग करेंगे. यू आर सडनली फुल ऑफ इट, अर्थात वो भावना आपके अंदर पूरी तरह से भर जाती है. माई सन्स लेबर हैड बीन रिवार्डेड, मेरे बेटा के मेहनत, मेरे बेटा के जो कड़ी मेहनत किया था उसका परिणाम मिला है, रिवार्ड किया गया है, उसको परिणाम मिला है, पुरस्कृत किया गया है, और अच्छे रिजल्ट के रूप में प्रथम स्थान आकर. ही स्टडीड इवन ऑन द हॉटेस्ट ऑफ आफ्टरनून्स दो ही स्वेल्टर्ड, वह अध्ययन किया, पढ़ाई किया दोपहर के सबसे गर्मी वाले समय में, जबकि वो पूरा स्वेल्टर था, तर बदर होता था पसीने से, या स्वेल्टर का मतलब ये समझो कि पूरी झुलसा देने वाली गर्मी में भी वो पढ़ाई किया, मतलब झुलस जाता था गर्मी से एकदम, तब भी उसने क्या किया, पढ़ाई किया. अब देखो स्वेल्टर क्या होता है, इफ यू स्वेल्टर यू आर वेरी अनकंफर्टेबल, अब बहुत असहज हो जाते हैं. बिकॉज द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा गर्म है. तो स्वेल्टर्ड मतलब ऐसे हो गया जैसे कोई भट्टी में रख करके तुम्हें उबाल रहा हो या तपा रहा हो, तो वैसा जब फील करते हो तो मतलब क्या होता है, यू स्वेल्टर्ड. ओके, आई होप कि आपको याद हो गया गर्मी के मौसम में खास करके एस्बेस्टस वाले टीन वाले घर में क्या होता है, आप स्वेल्टर करने लगे तो लगता है कि तप रहे हैं. Beware of, ये खूब पूछता भी है, इसमें पूछता कैसे है, वो डबल एफ कर देता है जबकि सिंगल ऑफ होता है, सावधान रहना. सावधान होना. Beware of investment schemes, बहुत सारी पैसे निवेश करने के स्कीम्स आते रहते हैं कि 5,000 लगाइए, 5 साल में दोगुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, शेयर बहुत बढ़ रहा है, इस शेयर में ज्यादा पैसे लगाने से ज्यादा फायदा है. तो ये कहता है इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आते हैं उससे सावधान रहिए. सम ऑफ देम में स्विंडल, स्विंडल मतलब होता है डुबा देना, खा पका जाना, बड़ा सुंदर वर्ड है खा पका जाना. खा पका जाना हिंदी में फ्रेज है, क्या मतलब होता है खा पका जाना, मतलब डुबा देना, वो सारा पैसा मेरा खा पका गया, मतलब डुबा दिया. He swindled me of ₹5,000, उसने मेरा 5,000 रुपए का चूना लगा दिया. खा पका जाना, चूना लगा देना. Some of them may swindle you out of your life saving. हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो आपको कहे, जैसे सहारा में इन्वेस्ट करवा देगा, बजाज का कोई है उसमें करवा दे, और ये भी तो हो सकता है आपके पूरे लाइफ सेविंग, पूरे जीवन में भर जो बचा के रखा है, आप उस लोभ में कि बहुत
फायदा हो जाएगा, पूरे लाइफ सेविंग्स आप लगा दे और उसमें जाके आपका डूब जाए तो क्या हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। इफ वन स्विंडल्स ए पर्सन, अगर एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्विंडल्स करता है और एन ऑर्गेनाइजेशन या कोई संगठन को स्विंडल्स करता है आउट ऑफ समथिंग वैल्यूएबल, कोई महत्वपूर्ण चीज में से, स्पेशली मनी, जैसे कि पैसा हो गया खास करके, वन डिसीव्स देम इन ऑर्डर टू गेट दैट थिंग, तो क्या करता है वो उसको धोखा देता है उस चीज को पाने के लिए। मतलब क्या, उस चीज का उसने चूना लगा देता है। बड़ा सुंदर वर्ड हो गया चूना लगा देना। चूना लगा देना मतलब क्या, वो चीज उसको ठग लेता है। आई ऑल्सो वर्कड फॉर ए फाइनेंस कंपनी, मैं भी फाइनेंस कंपनी में काम किया था, बट गेटिंग टायर्ड ऑफ ट्रिक्स, लेकिन मैं उसके चाल से थक गया, उब गया। आई स्विच्ड ओवर टू ऑनेस्ट जॉब ऑफ टीचिंग, और मैंने पढ़ाने वाले ईमानदार काम में अपने आप को बदल के ले आया। मतलब मैंने स्विच ओवर कर लिया, मैंने उस पहले वाले काम को बदल करके एक ईमानदारी भरा काम जो है टीचिंग, उसमें मैं अपने आप को ले आया। इफ यू स्विच ओवर फ्रॉम ए टू बी, अगर आप स्विच ओवर करते हैं ए से बी की तरफ, यू चेंज फ्रॉम ए टू बी, मतलब पहले ए कर रहे थे आप बी करने लग गए, स्पेशली कंप्लीटली और अनएक्सपेक्टेडली। स्विच ओवर इसलिए वर्ड का प्रयोग किया जाता है जब आप पूरी तरह से बदल लेते हैं कोई चीज। पहले जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि पहले वो फाइनेंस कंपनी में काम कर रहा था जो बिल्कुल अलग है, अब वो टीचिंग करने लग गया जो बिल्कुल अलग है, तो इसलिए पूरी तरह से अलग, और खास करके एक फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं करेगा कि वो फिर टीचिंग में चला जाएगा, तो ऐसा चीज जिसको लोग उम्मीद भी ना कर रहे हो, तो वैसी चीजों में आप अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं, तो वहां पे आप क्या करते हैं, स्विच ओवर का प्रयोग करते हैं। तो स्विच से क्या करते हैं, बटन से बदलते हैं ना, लाइट को ऑफ ऑन करते हैं, तो आपने क्या किया, स्विच ओवर कर लिया, मतलब आप चेंज कर लेते हैं। हाउएवर, किंतु टीचिंग इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, हालांकि पढ़ाना बहुत रोचक नहीं है। आई थॉट एजुकेशन मिंट एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ वंस पर्सनालिटी, मुझे लगता था कि शिक्षा का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट, मतलब सभी स्तर पर विकास, चारों तरफ से विकास। बट आई फाइंड स्टूडेंट्स आर मोर इंटरेस्टेड इन सॉर्टिंग, लेकिन मुझे लगता है कि विद्यार्थी लोग ज्यादातर सॉर्टिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब कठिन मेहनत करने में इंटरेस्ट लेते हैं, खास करके जब एग्जाम्स वगैरह आ जाए उस सब की तैयारी करने में। मतलब क्या, नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते वो किसके लिए पढ़ते हैं, एग्जाम्स के लिए, एग्जाम्स के लिए वो कठिन मेहनत करते हैं। इफ यू सॉर्ट यू स्टडी वेरी हार्ड, आप बहुत कठिन मेहनत करते हैं, स्पेशली वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन, खास करके जब आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, उसके अलावा और दूसरी चीजों में आपकी रुचि नहीं रहती है। माय स्टूडेंट्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फ्लैटरिंग दियर टीचर्स फॉर गुड मार्क्स, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे विद्यार्थी लोग जो है वो शिक्षक के पीछे चमचागिरी भी करते हैं, फ्लैटरिंग चापलूसी, चमचागिरी करना, किस लिए, ताकि अधिक मार्क्स मिल सके। दे आर साइकोफैंटिक चापलूस, इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है चापलूस। अब चापलूस क्या होता है कि आप किसी के मुंह पे उसकी खूब तारीफ करेंगे ताकि खुश होकर के वो आपका काम। ए साइकोफेंट फ्लैटर्स पीपल, एक साइकोफेंट होता है जो लोगों का चापलूसी करता है, फ्लैटर्स वर्ब के रूप में आ गया, साइकोफेंट नाउन के रूप में आ गया, दोनों का मीनिंग सेम होता है। हु आर मोर इम्पोर्टेंट, जो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, एंड पावरफुल देन ही, और जो उससे ज्यादा ताकतवर होते हैं। ही डज सो, वह ऐसा करता है इन ऑर्डर टू गेन एन एडवांटेज फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए फायदा लेने के लिए वह ऐसा करता है। व्हाट हैपेंड टू माई ड्रीम ऑफ
इनोसेंस इन सिल्वन सराउंडिंग्स In sylvan surroundings, what happened to my dream of innocence? In sylvan surroundings, देखो sylvan होता है पेड़ पौधे संबंधित जंगल, तो कहता है कि फिर मेरे उन सपनों का क्या होगा? देखो क्या कहता है, what happened मेरे उन सपनों का क्या हुआ to my dream of innocence, जो मेरे भोलेपन का सपना था in sylvan surroundings, पेड़ पौधों के बीच. क्या कहना चाहते हो? That which is sylvan is associated with woods and trees. जो चीज सिल्वान होता है वो क्या होता है? पेड़ पौधे या जंगल से घिरा हुआ होता है. तो कहता है उसका क्या हुआ जो मेरा एक भोला भाला सपना था कि मेरा मैं जो मेरी जो सराउंडिंग्स हो वो पूरी तरह से पेड़ पौधों से भरा पड़ा. The boss of the gang said to his associate, the boss of the gang, जो gang होता है समूह group, ये चोरों का group वही होता है और generally डकैत वगैरह का gang use किया जाता है. The boss of the gang, gang का जो head था boss था, said to his associate, उसने अपने सहयोगी से कहा, Mr. Suleiman should be killed by Sunday. Mr. Suleiman रविवार तक मार दिया जाना चाहिए. Don't take things lightly. चीजों को हल्के में मत लीजिए. The police are keeping tabs on you. पुलिस तुम्हारे ऊपर नजर रख रही है हमेशा, जान रही है कि क्या तुम कर रहे हो. अब देखो keeps tabs on you का मतलब क्या होता है? If A keeps टैप्स ऑन बी, अगर ए बी पर किप्स टैप्स ऑन करता है, ए मेक्स श्योर दैट ही ऑलवेज नोज वेयर बी इज, अर्थात पूरी नजर रख रही होती है कि वो जानता रहता है कि कहाँ है बी एंड व्हाट बी इज डूइंग और बी क्या कर रहा है. तो मैं कहता हूँ पूरी नजर रख रही है. ऑफन इन ऑर्डर टू कंट्रोल बी, ताकि बी को नियंत्रित करके रखा जा सके. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ए वॉचेज बी क्लोजली, ए बी को बड़ी नजदीकी से देखता है. Especially because B is believed to have bad or criminal intentions, खास करके क्योंकि माना जाता है कि B के पास बुरा या आपराधिक इरादे रहे हैं. The associate replied, associate ने जवाब दिया, उसके साथी ने जवाब दिया, Don't worry sir, सर आप चिंता मत कीजिए. Even if the police catches me, भले ही पुलिस मुझे पकड़ ही क्यों नहीं लगे. अब देखो यहाँ पे द पुलिस किया है सिंगुलर और ऊपर किया है द पुलिस को प्लुरल, तो यहाँ पे सिंगुलर करने का उद्देश्य हो गया है कि कहना चाह रहा है ए पुलिस मैन, क्योंकि पकड़ेगा तो पूरी पुलिस तो पकड़ेगा नहीं, कोई एक जनरली एक पकड़ता है. तो इफ द पुलिस कैचेज मी, अगर पुलिस मुझे पकड़ लेती है, आई नो हाउ टू टर्न द टेबल्स ऑन माई अपोनेंट्स, तो मैं जानता हूँ कि कैसे पूरे पाला बदल दे, पूरी चीजों को बदल करके दूसरों के ऊपर माथा पे थोप देंगे. टर्न द टेबल्स ऑन, इफ ए टर्न्स द टेबल्स ऑन बी, अगर ए टेबल टर्न्स कर देता है बी पर, ए चेंजेस द सिचुएशन कंप्लीटली, ये पूरी तरह से स्थिति को बदल देता है. दैट इज अर्थात इंस्टीड ऑफ बी कॉजिंग प्रॉब्लम्स फॉर ए, नाउ ए कॉजेस प्रॉब्लम्स फॉर बी. अब बी इससे पहले की समस्या खड़ी करे उत्पन्न बी पर, ए पर ए ही समस्या उत्पन्न कर देता है बी के लिए. Having sex before marriage is a taboo. देखो टैबू क्या होता है, इसको तब्बू भी बोलते हैं, टैबू भी बोलते हैं. टैबू एक्चुअल इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन है. टैबू मतलब होता है समाज के नजर में जो अच्छा ना हो, समाज के नजर में बुरा. Having sex before marriage is taboo in our society. हमारे समाज में शादी से पहले सेक्स बुरा माना जाता है. If a subject, अगर कोई विषय
और एक्टिविटी क्रियाकलाप इज टबू, वो टैबू होता है मतलब बुरा होता है, देयर इज ए टैबू ऑन इट, उस पर इसकी पाबंदी लगी होती है, दैट इज अर्थात इट इज ए सोशल कस्टम टू अवॉइड डूइंग दैट एक्टिविटी, अर्थात सामाजिक रिवाज है कि उस चीज को करने से बचे और टॉकिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट या उस विषय पर बात करने से बचे, बिकॉज पीपुल फाइंड देम एम्बैरेसिंग, क्योंकि लोगों को वह बुरा लगता है और ऑफेंसिव आपराधिक लगता है। कहता है कि टैबू उस चीज को बोलते हैं, जैसे समाज में कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में मत बात करो, गंदी बात है, तो खराब चीज लगता है वैसी चीजों के बारे में बात करना, तो उसको क्या कहते हैं टैबू। डिब्रा पूछता है, एसएससी के लिए फेमस वर्ड है, इट इज स्ट्रेंज हाउ रंजन हैड प्री मैरिटल सेक्स, अजीब बात है कि रंजन ने कैसे शादी से पहले सेक्स किया, नोट दैट हिज मदर डिड नॉट नो ऑफ द फैक्ट, ये बात जान लीजिए कि यह बात उसकी माँ को मालूम नहीं है, इन फैक्ट वास्तव में सी टैसिटली अप्रूव्ड व्हाट ही डिड, टैसिटली मतलब चुपचाप मौन रहकर, वास्तव में उसकी माँ चुप्पी साध कर मौन रहकर उसने जो किया उसको सही साबित की। टैसिट कम्स फ्रॉम लैटिन टैसो, इसका मतलब क्या होता है साइलेंट, तो टैसो से बना हुआ है, टैसिट मतलब साइलेंट, ए टैसिट अप्रूवल मतलब चुप रह करके सहमति दर्शाना, एग्रीमेंट सहमति, अप्रूवल मतलब मंजूरी देना, एग्रीमेंट मतलब सहमति, इज नॉट सेड इन एक्चुअल टर्म्स, मतलब क्या उसको वास्तविक टर्म में कहता नहीं है, बोलता नहीं है, बल्कि चुप रह गया मतलब कि वह सहमत है, उसको कोई आपत्ति नहीं है, एंड इज देयरफॉर साइलेंट, और चूंकि सहमत है इसलिए वह चुप रहा, उसका विरोध नहीं किया। इट इज एक्सेप्टेड और अंडरस्टूड विदाउट बीइंग स्टेटेड, मतलब यह स्वीकार कर लिया जाता है या समझ लिया जाता है बिना कहे हुए, तो यह हो गया टैसिट। अनदर वर्ड फॉर टैसो इज टैसिटर्न, दूसरा शब्द जो टैसो से बना वो है टैसिटर्न, कम बोलने वाला व्यक्ति। इफ यू आर टैसिटर्न, अगर आप टैसिटर्न है, यू टेंड टू स्पीक वेरी लिटिल, आप ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं, बहुत कम बोलते हैं, ऑलमोस्ट साइलेंट रहते, लगभग चुप ही रहते हैं। सिंस ए टैसिटर्न पर्सन इज अनकम्युनिकेटिव, अब जो बोलेगा ही नहीं तो उसका कम्युनिकेशन स्किल का क्या पता चलेगा, उसको बोलने की कला का क्या पता चलेगा, तो जो टैसिटर्न व्यक्ति होता है वो अनकम्युनिकेटिव होता है, मतलब उसके बातचीत की कला उसमें बहुत अच्छी नहीं होती है, तो ही और सी कैन सीम अनफ्रेंडली, इसलिए जब बोलता नहीं है तो पता ही नहीं लगता कि वो दोस्ताना व्यवहार है कि नहीं, अब किसी के आ जाओ वो बोले ही नहीं आपसे, तो आपको लगा नहीं नहीं ये दोस्ताना व्यवहार वाला व्यक्ति नहीं है, अच्छा व्यक्ति नहीं है, अनफ्रेंडली है। तो ही और सी कैन सीम अनफ्रेंडली, वो लड़का हो या लड़की, वो अदोस्ताना लगता है, उसको लगता है कि इस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं है। थैंक यू।